उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक महिला नक्सली को ढेर करने की खबर है। जी हाँ, इस महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया। 16 लाख की महिला नक्सली जो ढेर कर दी गई है, C60 कमांडो की टीम के हाथ इस तरह से बड़ी सफलता लगी। सोनक्का उर्फ चिनक्का के रूप में नक्सली की पहचान हुई है। नक्सली विरोधी अभियान में ये बड़ी कार्रवाई, ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सर्च के दौरान AK-47 समेत कई सारा नक्सल संबंधित सामान इसके पास से बरामद भी हुआ। गढ़चिरौली में कमांडो ने इनामी नक्सली को ढेर किया। जी हाँ, 16 लाख का इनाम इस महिला नक्सली पर था, जिसे ढेर करने में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। C60 कमांडो टीम को ये कामयाबी हाथ लगी। बता दें, एटापल्ली तहसील के सिन्नी भट्टी में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पर C60 कमांडो की टीम सर्चिंग पर वहां पर रवाना हुई थी। जवानों को जंगल में देखते ही नक्सलियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सतीश बोध हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश जी, किस तरीके से इस महिला नक्सली को मारने में C60 कमांडो को कामयाबी हासिल हुई और ये कितनी बड़ी कामयाबी, कितनी बड़ी उपलब्धि? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये जो महिला नक्सली है इसके ऊपर 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और आपको बता दें, C60 कमांडो जब सर्चिंग पे निकले तो सबसे पहले नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग आरंभ कर दी, लेकिन जो सेना के जवान थे और जो C60 के कमांडो ने जवाबी फायरिंग करते हुए महिला नक्सली को मार गिराया और कई भारी मात्रा में नक्सली सामग्री सहित AK-47 बरामद करी। आपको बता दें कि ये जो महिला जो मारी गई है इनामी नक्सली, इसके खिलाफ 144 से भी ज्यादा अलग अलग थानों में हमले पंजीबद्ध है, जिसमें जो अपराध गंभीर अपराध। चलिए, शुक्रिया आपका सतीश बोध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।